और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। So, I am a 25 years old. मैंने अपने पूरे जीवन काल में फुली लॉकडाउन या तो हॉलीवुड की मूवियों में देखा है, या तो किसी बुक में पढ़ा हुआ है, या फिर किसी न्यूज़ में देखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फुली लॉकडाउन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इन रियल लाइफ। हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश सिंह। तो ट्रैवलर्स, की हालचाल आप लोगों की? होप आप लोग अच्छे ही होंगे और घर पे ही होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं जस्ट अभी सो के उठा हूं। मोदी जी की बिग अनाउंसमेंट के बाद इंडिया को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। तो आज हम कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, M2 ट्रैवलर्स अब नहीं रहा। हाँ, सही सुना आपने, M2 ट्रेवल्स अब डिवाइड हो गया है। एक्चुअली में M2 ट्रेवल्स मैं और मेरा फ्रेंड मुदित मिलके चला रहे थे। लास्ट मंथ मुदित दुबई चला गया है। अब इस चैनल पे जो वीडियोस आएंगी, कुछ वीडियोस दुबई से आएंगी, उसका होस्ट होगा मुदित, और इंडिया के लिए आपका भाई तो है ही यहाँ पे। बस यही M2 ट्रेवल्स के बारे में थोड़ा अपडेट था। मिलता हूँ आपको नहा धो के, उसके बाद कोरोना वायरस पर करेंगे थोड़ी बातचीत। ट्रैवलर्स, कोरोना ने पूरी दुनिया पे अपना ऐसा कहर बरसाया है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसी चरमरा गई है कि हम बता नहीं सकते। सब लोग बिना किसी झूम के अपने घरों में कैदियों की तरह कैद हो गए हैं। बिकॉज कोरोना मतलब कोई रोड पे निकलो ना। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालत में, वही जगह आपके लिए स्वर्ग के बराबर है। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घरों में ही रहिए। बिकॉज बाहर निकलोगे तो या तो कोरोना पकड़ेगा या तो अपने मामू पकड़ेंगे। जानते हो, मामू पकड़ लेते तो सैनिटाइज व डंडा मारते हैं। इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ट्रैवल एजेंसी को हुआ है। कोई भी कहीं भी जा नहीं सकता है, सब अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हो। आप अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हो। आपको पर्सनल मी टाइम मिला है। मी टाइम में आप अपने बारे में सोच सकते हो कि आप अभी तक आपने अपने लाइफ में किया क्या है, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो इस लॉकडाउन के दौरान। इस लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को छूट रहेगी, जो लोग पुलिस में हैं, किसी भी मेडिकल सर्विसेज में हैं, बिजली विभाग में। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक मत कीजिए। अगर आप लोग स्टॉक करते हो तो इसका सीधा इफेक्ट उन लोगों को पड़ता है जिनको रियली में इस चीज़ की जरूरत है। जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, खाने पीने की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी भी चीज़ का, खाने पीने की वस्तुओं का स्टोरेज मत कीजिए। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही आप अपने पास वस्तु ही रखें। मेरा एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप लोगों ने कहा है कि जो डेली दिहाड़ी मजदूर है उनको वीकली बेसिस पर वेजेस मिलेंगे, पर वो वेजेस सबके पास कैसे पहुँचेंगे? जो रेहड़ी लगाते हैं, अपना सब्जी की दुकान लगाते हैं, छोटी मोटी जैसे समोसे की दुकान लगा, तो उन लोगों तक ये सर्विस जो आपने ये अनाउंसमेंट किया है 1000 रुपये वीक में मिलेंगे, वो इन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? आप लोगों का अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने घरों में रहिए। जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर मत निकलिए। इस संकट के दौर में हम घर पर रह कर ही सबकी सहायता कर सकते हैं। Stay in home, keep safe, peace out.